हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड हम भी ठीक हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7:45 बजे से। रेडी स्कूल के लिए आ रहा है और आज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगने वाली है। मायरा होगी रेडी? ट्यूसडे को अभी बजने हैं शाम के 4:45 और राम परिवहन में आ गई। आज मैं जल्दी लग गई थी बस, परु देख रहा है तो जल्दी से छुप गया अंदर। देखिए मौसम कैसे खराब हुआ है और बारिश हो रही है। हारमोनियम पे बैठ गया स्कूल से आते। निशा 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 धनी 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 धनी, ये वाला बजा रहा है। बदा 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 निशा। धूप निकल आई है बाहर, बट शाम के टाइम फिर बारिश हो ही जाती है। और आज है संडे तो आज बन रहे हैं आलू के पराठे। मेरे का तो खून निकल रहा है, थोड़ा सा निकल जाता है। फर्स्ट टाइम चलाया मैंने ये टूल, तो इसको बोलते क्या है मुझे पता नहीं है। कैंची के जैसा ये तो बोलते तो होंगे कुछ, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना इसको क्या बोलते हैं। तो हैज लगाए थे थोड़े से, उसकी कटिंग करी, बहुत बड़े हो गए थे, आती नहीं कटिंग करने। तो एक मैंने फिंगर में लगा दी कि देखिए यहाँ पे, एक यहाँ लगा दी और एक यहाँ पे लगा दी, छोटा सा बिंदु पर ये वाला। और मत कर, इसको भी लगी लगी थी। हाँ तो बस कर मामा, इसे तेरे नोज काटूंगी, पड़ेगा कौन काट दूंगा। तो मैंने ज़्यादा ही लगा दी हाथ में। बस छोड़ दे। शूले स्वांद्रा एक काम बच्चा, शाबाश शाबाश। आज पता नहीं कौन सूरज कहाँ से निकला है, पर वो काम कर रहा है। मैं काम कर रहा, कुछ बोला है तो बोला। मैंने कैसे मान ली तूने बात आज? पर मान ही नहीं रहा है। चलाई आंदे, मौसम भी खराब हो गया है पर मान नहीं रहा है। मुझे डर भी बहुत लग रहा है। और बोल रहा था कि पुल तक आप ले चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं तू ले जा, चाबी मैं ले चलूंगी। फिर पुल के पास पहुंचता
कैसे करता हूँ मैं ट्रैक नेस्ट तक ले चलता हूँ, उससे आगे आप ले जाना। मैंने कहा ठीक है। जैसे ट्रैक नेस्ट पहुँचे हम लोग, बारिश लग पड़ी। मैंने कहा अब चल तू ही ले चल वापस भी, और अब मीना पर नाम मत लेना स्कूटी स्कूटी का। देखिए बारिश से भीगे हम लोग। अभी भी बोल रहा है कि अंदर नहीं लगानी स्कूटी, बारिश थम जाएगी। मैंने कहा अब ये नहीं थमने वाली है। हो मैं डेली सोचती हूँ कि मैं कल पक्का लेके जाऊँगी जोगिंदर नगर, और जब ले जाने की बारी आती है तो डर लग जाता है। फिर मंडे को करती हूँ कोशिश। मंडे को वैसे राखी है, कल तो राखी है, देखते हैं कल क्या होता है। ऐसी बारिश लगी है बाहर, यहाँ खिड़की में से अंदर को आ रही है बारिश की छींटे। उसमें बारिश का मौसम है तो कुछ खाने का मन करता है। बनाती हूँ देसी घी का आटे वाला हलवा। आटे का हलवा ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, सूजी का भी लगता है लेकिन इतना अच्छा नहीं लगता जितना आटे का लगता है। और परू को भी आटे का पसंद है, मम्मी को भी। सूजी के मुकाबले हम लोग आटे का हलवा डबल खा जाते हैं। तभी चाय और हलवा बनाती हूँ जल्दी से। और खेत से लाए मम्मी नाशपाती, एक पेड़ में रह गई है, बाकी तो सारी ख़त्म हो गई है। तो इनका बनाते हैं शाम को, रात को सॉरी, डिनर में बनाते हैं सब्जी। हलवा चाय चट कर गई और वीडियो बनाने से याद ही नहीं है। बाहर मौसम ऐसे डरावना हो गया है, फोगी फोग धुंधी धुंधे में। दिखाती हूँ थोड़ा सा बेटा। ये भी खा बैठा। देखिए बाहर मौसम कैसा है, उस तरफ तो रोड दिख ही नहीं रहा है, पूरे फोगी फोग हो गया। मायर आ गई घर, नानी के घर गई थी कल स्कूल से। मायरू कहाँ गई? मायरा मायरा हलवा खाना अपने? हलवा बनाया है आटे का हलवा खाना? आप आपको कहाँ हो गए? तबीयत तो नहीं थी खराब? क्या गए मेरे बच्चे को जंगू मंगू चंगू? नानी के घर में क्या क्या खाए बेबी ने? हैं बोलो क्या खाया? सूट मंगवाया कॉटन का पल्लू ने मीशो से, इतना अच्छा आया है ना सूट बाई गॉड से। मतलब 700-800 का तो सूट ही सूट है, और 250-300 सिलाई लगेगी, 1000 रुपये का पड़ जाएगा। तो वैसे ये 550 का बन गया। दुपट्टा भी बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। अभी कपड़े तैयार लगाने को पड़े उधर। छियाल से बुआ आए हैं, उन्होंने दिए पापा को राखी, तो उसके साथ ही उन्होंने मिठाई का मिनी डब्बा। इतना प्यारा लग रहा है ना छोटा सा डब्बा, इतना सा डब्बा दिखाती हूँ अभी। इतना सा है ये, और मेरे हाथ में दर्द हो रही, इसमें खुद ही लगा दी मैंने, ब्लड जमा हुआ। बड़ा नाना चॉकलेट लाया था कल। फ्रिज में रखी आपकी, इसने खा लिया अपनी बेटा, ये आपकी है। सिखाओ माँ को गाना, कैसे सिखा रहे थे बता मुझे। क्या कर रहे हो मायरा? कौन सी गेम खेल रहे हो आप बेटा?